उस्ताद तो इसको हम कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। अरे तो उसका भाई को क्या बोलेगा? अरे हमको नहीं मालूम। और जब उसको लाश मिलेगा? अरे वो तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं है। तो वो क्यों सोचेगा हमने इसको मारा है? अरे शक तो जाएगा ना शाबू। अरे और तो और वो तो रोज की शादी के लिए भी बहुत फिकरमंद है। हो सकता है कि वो ये सब कुछ उस झंझट से निजात हासिल करने के लिए कर रही हो। अरे नहीं भाई, उन्होंने ये फैसला भी उरूज पर छोड़ दिया है। बल्कि अब हमें भी तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। ये जो सेठ है ना, ये बहुत तेज लगता है हमको। अरे कहीं ये हमें ही ना फंसा दे। अरे हम भी बोल दिया उसको कि तुम भी फंसेगा। देखिए उस्ताद, वो पैसे वाला आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे शाबू तू हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे है? अरे जो होना तो वो हो गया, एक काम कर दिया हमने। मैं तो ऐसे परेशान हो कि क्यों घूम रहा है तुम? कौन सा पहली दफा लेट आ रहा है? चलो सो जाओ। अरे लेट होता था, लेकिन इतना लेट कभी भी नहीं हुआ है। हमारा दिल बेचैन हो रहा है, लड़का है वो, उसको एहसास ही नहीं है। हम तो वहां है ना, हमको तो परेशानी होएगा, अल्लाह खैर करे। अरे वाह, मतलब हम सब अपनी काबू की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल का तरफ तो उसी दिन से बढ़ना शुरू कर दिया था जिस दिन से हम लोगों ने फैसला किया था। और दिलावर, तू एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जीत तेरा ही होएगा। हाँ इंशाल्लाह, बस अब लगता है सफर खत्म होने ही वाला है। वो बीमार नहीं, वो डिस्टर्ब है। उसके अब्बा ने दूसरी शादी जो कर ली है। तो भाई वो भी कर ले, मतलब उसकी भी हो जाएगी यार। लेकिन उसके लिए उरूज के पास कोई अच्छे ऑप्शंस भी तो होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई पसंद भी करता होगा। अब तो हम कब देख देख के थक गया हूँ, अब तो ख्वाब भी नहीं आता ऐसा जो हम ख्वाब में ही खुश हो जावे। अब्बा तुम फिक्र ना करो, हमको अपना कामयाबी बहुत करीब दिखाई दे रहा है। तुम्हारा कामयाबी तुम्हें सामने दिख रहा है, इधर हम मरने वाला हो गया है, बुढ़ा हो गया है। अगर उनकी तरफ से कोई बंदा मर गया तो मैं तुम्हें छोड़वा लूं, पैसे तो वैसे भी मैं तुम्हें मुंह मांगे ही दूंगा। देखो सेठ, अरे हमको बंदा मारने से कोई डर नहीं लगता है। अगर गोली चलेगा ना तो तुम्हारा बहन भी उस गाड़ी में ही होएगा। नादर भाई तुम एक काम करो, गोली सीधी शांजे को ही मार दो, शक भी सीधा उन्हीं पर जाएगा। अब्बा, अब्बा, अब्बा। क्या है बड़ा? हम बोलते ना कुछ गलत हो जाएगा, तुम छोड़ कर आओ उसको। क्या हुआ? क्या है? लड़की का कत्ल हो गया है और तुम इधर आराम से सोए आए। पुलिस हमारा बच्चा को ले गई है फैसल को। अरे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हमारा बच्चा को ले गया पुलिस वाला। अरे कैसे हो गया ये सब? अरे किसने किया होगा? हमको क्या पता, अभी तो हमारे बेटे पे कत्ल का इल्जाम आ गया। अरे कुछ नहीं होगा फैसल को, साजिश है ये। किसने किया ये साजिश, हमको क्या पता, कब साबित हो गई? मगर हमारा बच्चा तो जेल के अंदर चला गया ना। अरे हमने समझाया था लड़की को कि घर चला जाओ अपना भाई के पास, लेकिन समझ नहीं आया उसको। ठीक है, उसका भाई ने मरवाया। हाँ उसके अलावा और किसका दुश्मनी होएगा उस लड़की से? उसको देख के तो हमको भी ऐसा लगता था, अरे जैसे वो कुछ भी कर सकता है। पहले हमको भी धमकी दे रहा था वो। तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि वो लड़की को धमकी दे रहा है, हम उसको नहीं भेजता। अरे मारने का धमकी नहीं दिया, जवान बच्ची की जान ले ली जालिमों ने, हमारा बच्चा को फंसा दिया जेल में। कितना प्यारा बच्ची था, हमको अम्मा अम्मा बोलता था हम तुम्हारे पास आएगा मिलने के लिए। अब तो वो पक्का पक्का चला गया, हमसे रूठ गया। अभी हमको भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। छोड़ो, अरे तुम क्या बात कर रहे? अरे दिलावर तुम रात को किधर जा रहे? रात को भी तुम्हारा फुटबॉल मैच शुरू हो गया?
बा हमारा वो दोस्त है ना पैसल, उसको पुलिस उठा के ले गया है। अरे तुम क्या काउंसलर है, तुम क्या करेगा उधर जाके? अब्बा हम नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? वो दोस्त है हमारा, नाक फसाया है उसको किसी ने। अरे उसको फसाया तुझको भी फसा देगा। हमको बताओ कि तुम्हारे दोस्त को पुलिस क्यों पकड़ के ले गया? अरे अम्मा वो लड़की नहीं है नौशीन का दोस्त, उसका कत्ल हो गया है। हाय कत्ल? कत्ल? अभी हमको ज्यादा नहीं पता है, वो फोन आया था, अभी हम जाके पता करता हूँ। वो हमने कितना समझाया है, ऐसे लफड़ों से दूर रहो। आजकल किसी का नहीं पता पड़ता है कौन फंसा देवे। अब बोल रहा है उसको जाना था वो गया, वो कोई बच्चा नहीं है, उसको सब पता है अपने मुनाफे और घाटे का। आजकल लड़का लोग अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता है और अपना नुकसान कर लेता है। उसका दोस्त कौन सा नवा है, सारा बचपन से जवान हुआ है उसके साथ और साथ ही पढ़ा है वो। अब शाहिद को ले लो, 16 जमाते पढ़ा है, और फैसल भी। अरे करते तो कोई भी नहीं है ना कुछ, तेरे लड़के की तरह। अरे तुम खुद तो कहता है कि शाहिद समंदर पे आता है मछलियाँ पकड़ने, काम तो करता है ना। 16 पास करके भी मछलियाँ ही पकड़नी है तो इतना टाइम क्यों जाया किया? अरे उसने अपनी बहन को डॉक्टर बनाया है, और हमने तो ये भी सुना है कि अब वो बहुत बड़ा अस्पताल बनाएगा लियारी वालों के लिए। पर वो डॉक्टर तो नहीं है ना। लेकिन पढ़ा लिखा तो है ना, और वो अस्पताल चलाएगा, और हमने सुना है कि वो वाला अस्पताल बनाएगा जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। अब तेरे मेरे जैसे लोग थोड़ी करेंगे। अरे फिर तो लियारी के लोगों को बड़ा फायदा होगा। और नहीं तो क्या। हाँ मां बच्चा का बड़ा पढ़ा लिखा दोस्त है। अब्बा तुम ऐसा टहलता रहेगा तो हमारा बच्चा क्या वापस आ जाएगा? अरे ताना जाओ, किसी का मिन्नत समाजित करो, हमारे बच्चे पर कत्ल का केस बन गया है। तेरे को क्या लगता है अब सुकून में? हम तेरे से ज्यादा प्यार करते हैं उसको, अपने बड़ा लाड से पाला है उसको। तो अब्बा कुछ करो ना, हमारे बच्चा के साथ पता नहीं क्या जुलम किया होगा। कत्ल का केस है, थोड़ा लंबा चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा, हमारा बच्चा जेल जाएगा? हम लगा ये मतलब नहीं है, हम कैसे अपना बेटे को जेल जाने देगा? हमको कोशिश करना पड़ेगा बहुत, और हम लोग के पास कोई सबूत भी नहीं है। वो बड़ा बंदा है, वो सिफारिश भी लगाएगा। हमारे पास अल्लाह का सिफारिश है। अरे वही तो हम लोग का साथ देगा, तो देखना ऐसा मौजा होएगा। इंशाल्लाह होएगा। हमारा बच्चा बेगुनाह है, उसने कोई कसूर नहीं किया है, वो लड़की भी ना हक मारा गया है, बहुत प्यारा बच्ची था वो। हम लोग ने पहला ही दिन कहा था कि इस लड़की को इधर नहीं रखो, लेकिन तुम लोग नहीं माना हमारा बात। ये सारा कुछ उस लड़की का इधर रहने का वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ नहीं रहता तो ये जग पूछो है ना, ये सब कुछ नहीं होता। हाँ अब्बा तुम ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमसे गलती हो गया। अरे गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती हुआ है। अब्बा अभी सब ठीक हो जाएगा, हमारा दिल बहुत डूबता है ये सब बातें सुन के। अरे दिल बड़ा रखो और अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह अच्छा करेगा। मेरे बच्चे के साथ भी जैसा है ना मेरे मालिक, अपना कर्म करना, इंशाल्लाह मेरे मालिक तेरे से मदद मांगता है। अब मेरे मालिक हमारा मदद करना। तू काय को रोता है? नहीं होगा, आप दुआ करो आपका भी दुआ लगेगा, ठीक होएगा, बस सब ठीक होएगा। मेरे बच्चे नहीं करते मेरे पाली में।
बच्चा आ जाए, मेरा बच्चा। अगर लड़की अकेला गया है तो फिर पैसल उसको कैसे मार सकता है? और आप बोल लो कि पैसल के घर के कोने में कचरे में उसकी लाश मिला है, कोई उसको मार के अपने घर के बाहर थोड़ी फेंकेगा। गवाह भी है उसके खिलाफ जिसने लाश को फेंकते हुए देखा है। अरे सेठ, हमने तुम्हारा काम खत्म कर दिए। अरे तुम आया था ना खुद रात को लाश लेने। अरे हमने तुम्हारा काम में कोई दो नंबरी नहीं किया है। ऐसा कब बोला मैंने नादिर भाई? बस आप मुझे दो दिन का टाइम दें, मैं खुद मिलता हूँ अगर आपसे। अरे सेठ, कोई बात है तो हमको अभी बोल दियो। पूरा लियारी में यही खबर चल रहा है, तुमको कुछ नहीं पता? स्कूल में एक एक बच्चा हमको एक कहानी सुना रहा था। हमारा समझ में नहीं आ रहा पैसल उसको क्यों मारेगा। ये नहीं पता हमको, मगर लाश है ना उसके घर के पास से ही मिला है, और तुमको पता है पुलिस भी उसको पकड़ के ले गया है। अरे हम खुद उसको वहां छोड़ने के लिए गया टैक्सी में, और फिर उसके बाद तुम लोगों के पास आके बैठ गया। रात भर बैठा रहा, तुम लोगों के साथ बात किया, चाय माय पिया, तुम लोगों को याद नहीं है? अरे तुम हमको क्यों सफाइयां दे रहा है? तुमको क्यों लगता है कि हमको तुम पर शक है? अरे नहीं, हम बस बता रहा हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता कि हमें पता है कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है? अरे यही तो हम कह रहा हूँ, हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा साजिश है। फिकर ना करो, जिसने भी ये साजिश किया है हम ये साजिश को नाकाम बनाएगा। हम ऐसे थोड़ी अपने दोस्त को ये पिंजरे में छोड़ सकता है। तुम इंसान है क्या है ये सब? लेकिन यार, अरे लेकिन बेगिन छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया, उसको बदल थोड़ी सकता है। तुम फिकर ना करो, हम सामना करेगा ना इन सब का। अपना ख्याल रखो। सचो साहब, कल पैसल पूरा दिन हमारे साथ था, फिर लड़की को छोड़ने चला गया था टैक्सी तक, फिर हमारे पास आ गया। अगर लड़की अकेला गया है तो फिर पैसल उसको कैसे मार सकता है? और आप बोल लो कि पैसल के घर के कोने में कचरे में उसकी लाश मिला है, कोई उसको मार के अपने घर के बाहर थोड़ी फेंकेगा। गवाह भी है उसके खिलाफ जिसने लाश को फेंकते हुए देखा है। कौन है वो? छन्नी नाम है उसका। सर, जिसका नाम लेकर आप पैसल पर केस डाल रहे हो, वो भी इन मुजरमों का साथी है। आप उसका रिकॉर्ड तो चेक करो, उस पर बहुत सारे केसेस चल रहा है, थाने में नाम होगा उसका। हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि मुद्दई को शक क्या बल्कि पूरा यकीन है कि कत्ल फैसल ने ही किया है। अरे फिर तो वो कन्फर्म फैसल को फंसा रहा है। उसकी बहन का कत्ल हुआ है, गवाह है उसके पास, लाश मिली है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो लाके मुझे दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त बेगुनाह है तो मुझे सबूत चाहिए। है अगर तुम्हारे पास कोई सबूत तो लाकर दिखाओ, जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। ऐसे तुम्हारे कहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। दिलावर सर ठीक बोल रहा है, हम बेगुनाह क्यों ना हो पर हमारे कहने से कुछ थोड़ी होता है। देखो मेरी बात सुनो, कानून जो है वो सबूत मांगता है, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे भी आगे कानून को ही जवाब देना है। करता है कुछ शाबू। अरे उस्ताद, शक तो सबका हम पर ही जाएगा, क्योंकि सुबह थाने जाते हुए ना हमको मिला था। शाबू, अरे तू हमको फंसवाएगा। अरे जब तुम खुद ही ऐसे सोचेगा तो गवाही कैसे देगा तुम? अरे उस्ताद तुम फिक्र क्यों करता है, हम है ना। अरे हम तुम्हारे लिए जेल जाएगा, पहले भी गया है। शाबू, हमको जेल नहीं जाना है।
अरे हम तुमको कब से समझा रहे हैं, बस तुम ठीक से बोल देना और जल्दी से बात खत्म। अच्छा ठीक है, तुम सेठ से पूछो गाड़ी कब देगा। हाँ भी पूछता है उसको फोन करके, अभी हम उसका काम कर दिए और अब वो हमारा काम कर दे। पूछो, अरे अभी पूछो सेठ से। सेठ जी। नादिर भाई। अरे हम तुम्हारा काम कर दिया है, अभी हमारा काम कभी होएगा। मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ। अरे सेठ हमने तुम्हारा काम खत्म कर दिया। अरे तुम आया था ना खुद रात को लाश लेने। अरे हमने तुम्हारा काम में कोई दो नंबरी नहीं किया है। ऐसा कब बोला मैंने नादिर भाई, बस आप मुझे दो दिन का टाइम दें, मैं खुद मिलता हूँ अगर आपसे। अरे सेठ कोई बात है तो हमको अभी बोल दो। नहीं वो बात फोन पे नहीं हो सकती, मैं आपसे आकर मिलता हूँ और बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे शाबू, अरे वो बोल रहा है कि मिलके बताएगा, हमको लगता है कि कोई बात है। हाँ सेठ, लग तो हमको भी यही रहा है। अगर हम कोई बात करेगा ना तो बोलेगा काम खराब कर रहा है, फिर हम डरा रहा है। अरे तुम्हारा खोपड़ी में जो भी आ रहा है अभी बोल दो। लेकिन नादर सेठ, आपको ऐसा लगता है कि सेठ को पता चल गया है लड़की को हमने मारा है। अरे हम कब मुकर रहे हैं, अरे सेठ भी तो यही चाहता था ना। अरे नादर सेठ आप समझा नहीं है, मेरा मतलब हमारे कहने का मतलब है कि उसको किसी तरह पता चल गया है कि फैसल वहां नहीं था, इसलिए वो हमको गाड़ी नहीं दे रहे। शाबू बोल तो तू ठीक रहा है, लेकिन देख उसने हमको बोला लड़की को मार दो, हम मार दिया हूं, अब कैसे मारा ये उसका मसला नहीं है। और देख अगर हम गाड़ी के लिए लड़की को मार सकता हूं ना, तो हम सेठ को साफ साफ बोल देवेगा कि हम उसका भी लिहाज नहीं करेगा। चले देख लेते हैं नादर सेठ, और हम कर भी कह सकता हूं। अरे शाबू, अरे हम नादिर भाई हूं, अरे हम कुछ भी कर सकता हूं, हमारा फोन में सारा रिकॉर्डिंग है। अरे अगर वो गाड़ी देने से मुकरेगा तो हम गवाही देने से मुकर जाएगा। अरे वाह उस्ताद, क्या दिमाग पाया तुमने। हाँ शाबू, नादिर सिर्फ हाथ नहीं दिमाग भी चलाता है। आ गया, आता हूँ। अरे टेरो आता हूँ। अम्मा, अम्मा तुमको पता है बाहर क्या हो रहा है? हमको क्या मालूम है, हम तो घर में बैठा हुआ हूँ। अम्मा वो लड़की है ना, उसका कत्ल हो गया है। कत्ल? कौन से लड़की का कत्ल? अम्मा वो शांजे जो उस दिन हमारे घर आया था, जो पैसल के घर रह रहा था। हाँ, उसका कत्ल हो गया। आ, और तुमको पता है उसको किसने मारा? किसने मारा? पैसल ने। पैसल ने अपना घर में ही मार दिया? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अम्मा पूरा लियारी में यही खबर चल रहा है। तुमको कुछ नहीं पता? स्कूल में एक एक बच्चा हमको ये कहानी सुना रहा था। हमारा समझ में नहीं आ रहा पैसल उसको क्यों मारेगा। ये नहीं पता हमको, मगर लाश है ना उसके घर के पास से ही मिला है, और तुमको पता है पुलिस भी उसको पकड़ के ले गया है। पुलिस ले गया है पैसल को? खतरनाक केस है कत्ल का। लेकिन अम्मा हमको नहीं लगता कि पैसल ने उसका कत्ल किया होगा। लग तो हमको भी नहीं रहे। फिर कैसे मर गया वो? अभी हमको क्या मालूम है, अभी पुलिस मालूम करेगा, पुलिस का काम है। तुम छोड़ो, तुम जाओ मुआद दो, हम काना लगाता हूँ तुम्हारे लिए, परेशान मत हो। अच्छा अम्मा, हम हाथ मुंह धो के आता हूँ। हमको तो नहीं लगता पैसल ऐसा है ही नहीं, कैसे कत्ल किया होगा उसने। बहुत हो गया फोन कॉल वाला ड्रामा,
बता दे उसे ताकि पता तो चले उसके दिल में क्या है। वो मनहूस मारा कोई बात होने ही नहीं देता। मैं जब भी कोई बात करती हूँ वो कोई और बात छेड़ देता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो ये सब कुछ ना जानबूझ के करता है। अरे शायद एक आइडिया आया है दिमाग में, क्यों ना हम उस मैडम के पास जाएं, उससे बात करें। ऐसे हमारा बात कोई नहीं सुनेगा, हमको एक बड़ी सिफारिश चाहिए ताकि पुलिस अपना काम ठीक से करे और हम असल मुजरिम तक पहुंचे। बात तो तेरा बिल्कुल ठीक है। पैसल ने तो नहीं मारा होगा ना, हमको तो लगता है उसका भाई उसको मार के पैसल को पसा रहा है। हाँ और कौन हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है, हम तो अल्लाह से शुक्र अदा करता है कि उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वरना वो तो हमको भी फंसा सकता था। हाँ सही बोल रहे, तो कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। कितने बजे आएगा तुम्हारा लियारी का शहजादा? यार उसने शाम का ही बोला था। भाई शाम तो 3 बजे के बाद शुरू हो जाती है, पूछ लो फोन करके। और अगर वो रूज के शाम के वक्त आया तो वो नीचे किचन में ही होगी, और अगर ज़्यादा गहरी शाम आया तो अम्मा बब्बी आ जाएंगे। तुझे बड़ा पता है शामों का। भाई ये तो कॉमन सेंस है ना। हाँ पता है मुझे, कर लेती हूँ फ़ोन। लेकिन जब उरूज आ जाए ना तो तूने उसे किचन में लगा के रखना है, या फिर उससे ऐसा करना कि अपने पास ला के बिठा देना बस। हाँ यार कर लूँगी कुछ ना कुछ, मगर देख आज तू सब कुछ बता देना उसे, बहुत हो गया फ़ोन कॉल वाला ड्रामा। बता दे उसे ताकि पता तो चले उसके दिल में क्या है। वो मनहूस मारा कोई बात होने ही नहीं देता। मैं जब भी कोई बात करती हूँ वो कोई और बात छेड़ देता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो ये सब कुछ ना जानबूझ के करता है, क्योंकि वो सिर्फ फ़ोन पर ये सब कुछ नहीं करता, सामने बैठकर भी यही करता है। यार एक दफ़ा तो तुम मिलियो, चलो 2 दफ़ा। हाँ लेकिन लड़का है यार वो भी तो कुछ मुंह से फूटे ना अपने। आज फूटेगा, पूछो कितनी देर में आ रहा है, पूछो। करती हूँ फोन। सॉरी हम आज स्कूल आ नहीं पाएगा। क्यों, हम सब तो आपका इंतजार कर रहे हैं। आम फिर कभी आएगा ना लियारी में, कल रात को बड़ा मसला हो गया है। आप तो खैरियत से हैं ना? आम ठीक है, लेकिन वो पैसल को पुलिस उठा कर ले गया है कत्ल के इल्जाम में। हाय अल्लाह, तुम फिक्र ना करो हम आएगा तुम्हारे पास, ठीक है जी? अपना ख्याल रखिएगा। कर दिया ना फिर से आज कोई ना कोई बहाना। नहीं कोई बहाना नहीं बनाया, लियारी में वाकई मसला हो गया है। वो उसका दोस्त है ना फैसल, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। अब ये तो कोई झूठ तो नहीं हो सकता ना? नहीं यार ये तो कोई झूठ नहीं हो सकता। देखो पुलिस वाला बिल्कुल ठीक कह रहा था, ऐसे कैसे हम पैसल को बाहर निकाल सकते हैं, कोई सबूत मबूत कुछ भी नहीं है हमारे पास। सबूत हम लोग ढूंढ लेंगे। अरे पर कैसे, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है, उसमें साफ दिख रहा है लड़की अकेली गई है, फैसल उसको छोड़ के वापस आ गया था। हाँ उस दिन वो हमको भी मिला था और मैडम के पास भी गया था शायद। अरे नहीं नहीं, वो एक दिन पहले अपनी मैडम से मिलने गया था। हमारा ख्याल से तो वो उसी दिन गया था। शायद एक आइडिया आया दिमाग में, क्यों ना हम उस मैडम के पास जाएं, उससे बात करें। ऐसे हमारा बात कोई नहीं सुनेगा, हमको एक बड़ी सिफारिश चाहिए ताकि पुलिस अपना काम ठीक से करे और हम असल मुजरिम तक पहुंचे। बात तो तेरा बिल्कुल ठीक है, पर तुमको एड्रेस मालूम है उसका? अरे हाँ मालूम है। अरे अभी तो रात हो रही है, तो ऑफिस से चली गई होगी, सुबह को चलते।
अरे सादा सी बात है, पुलिस वालों को कैसे समझ नहीं आ रही है? अरे कोई कातिल इतना बेवकूफ होगा क्या कि कत्ल करके घर के आसपास लाश फेंक देगा? अरे तुम समझा नहीं उसकी बात। वो कह रहा था कि उसके भाई ने बोल दिया कि कातिल पैसे लिए है और उसके पास सबूत भी है। वो ताकतवर बंदा है और कानून तो यहाँ ताकतवर लोगों का होता है बस। कभी कभी तो हमको लगता है कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर का कानून है। अरे ताकतवर जात सिर्फ अल्लाह ही है, कानून सिर्फ उसी का चलता है, जल्दी या देर से लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। सुबह फुटेज लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं उसके ऑफिस, वो जरूर कोई हल निकालेगी। ठीक है अभी हम चलता हूँ, मशीन अपना बड़ा परेशान है। अरे हम भी जाता हूँ दादा की तरफ, वो बहुत परेशान होगा, फैसल की माँ भी बहुत दुखी हो रही होगी, हम जाता हूँ संभालता हूँ उनको। अरे अगर मशीन ज़्यादा परेशान हो रहा हो तो सुबह हम उसको फैसल के पास आने में ले जाए मिलवाने के लिए। अरे क्या बना? अरे बनने का क्या, यहाँ सब ताकत का कानून है, कुछ नहीं होता। अरे देख लेना, इंसाफ ही मिलता है आखिर में, चाहे कितना भी ताकतवर कानून हो। अरे क्या कहता है पुलिस वाला, मेरा मतलब है पैसल ने तो नहीं मारा होगा ना, हमको तो लगता है उसका भाई उसको मार के पैसल को पसा रहा है। हाँ और कौन हो सकता है। अरे अल्लाह का शुक्र है, हम तो अल्लाह से शुक्र अदा करता है कि उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वरना वो तो हमको भी फंसा सकता था। हाँ सही बोल रहे तुम, कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। फुटेज तो हमने दो तीन जगहों से लिया है, लड़की लियारी से अकेली गई है वो भी टैक्सी में, फिर उसके बाद कहाँ गई ये नहीं मालूम। लेकिन इतना सा सबूत तो पुलिस वाला नहीं मानेगा। हाँ नहीं मानेंगे, पर कुछ और सबूत जरूर ढूंढेगा हम लोग। आप वो टैक्सी वाला क्यों नहीं ढूंढते, अगर फुटेज में टैक्सी आ रहा है तो नंबर भी मिल जाएगा और टैक्सी वाला भी। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, तुमने तो बड़ा कमाल का आइडिया दिया है, अब तो बहुत बड़ा सबूत भी मिल जाएगा और गवाह भी। और क्या चाहिए, टैक्सी वाला मिलेगा, नंबर मिलेगा, वही बताएगा उसने लड़की को कहाँ छोड़ा, लड़की कहाँ से उतर कर वापिस आया और कातिल कौन था। हाँ ठीक कह रहे तुम। उनके घर वालों से मिले हैं आप? मेरा मतलब है फैसल के घर वालों से, वो लोग बेचारे बहुत परेशान होंगे। हाँ वो तो बहुत परेशान है। हम गया था उसके घर, दिलासा दे के आया उसके घर वालों को, हमने कहा सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी तरफ से भी एक सबूत इकट्ठा किया है। क्या सबूत? वो लड़की जिस दिन घर से गया था ना, उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। मैं तंज नहीं कर रही, मैं तो वाकई में तुमसे सीखना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बनाना आता है तो मम्मा से सीख लो ना कि एक एक बजे तक सोना बंद करो, टाइम से उठा करो और थोड़ा सा घर में और किचन में ध्यान दो, ताकि आगे ससुराल जाके तुम्हें एडजस्ट होने में मसला ना हो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ओ हमको आलिया मैडम से मिलना है, हम फैसल का दोस्त है। अच्छा जी मैम, ये फैसल के दोस्त आए मिलने के लिए आपसे। अच्छा भेज दो अंदर। जी अच्छा आप अंदर चले जाएं, बुला लिया। आइए सामने, प्लीज बैठे। शुक्रिया। फैसल नहीं आया आप लोगों के साथ, सब खैरियत है? खैरियत तो नहीं है, वो फैसल थाने में है। थाने में बंद है? किसको मारा पीटा है उसने? नहीं उस पर इल्जाम है, उसने कत्ल किया है। कत्ल का इल्जाम है? लेकिन किसका कत्ल, कैसे, क्या क्या मसला, क्या है?
फैसल ने तो मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं की है। खैर वो मुझे दोस्त समझता ही कब है, जिद्दी भी तो बहुत है ना। अरे नहीं, वो तो आपका बहुत तारीफ करता है, आपका जिक्र बहुत फखर से करता है, हमें भी सुन के अच्छा लगता है। आप दिलावर? हाँ दिलावर लेडी। आप शाहिद होंगे राइट? जी। अच्छा आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी बताइए, मैं मंगवा लेती हूँ। अरे हम कुछ खाएगा पिएगा नहीं, आप बस फैसल का रिहाई करा दो, इतना बड़ा केस है, हमको ना हमारे पास कोई सबूत है ना इतना कोई बड़ा ताल्लुकात है कि हम पुलिस को जोर दे कि वो कातिल को ढूंढे। उनके घर वालों से मिले हैं आप? मेरा मतलब है फैसल के घर वालों से, वो लोग बेचारे बहुत परेशान होंगे। हाँ वो तो बहुत परेशान है। हम गया था उसके घर, दिलासा दे के आया उसके घर वालों को, हमने कहा सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी तरफ से भी एक सबूत इकट्ठा किया है। क्या सबूत? वो लड़की जिस दिन घर से गया था ना, उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। वो फैसल उसको टैक्सी में बिठा कर आया था अकेला वापस, फिर वो लड़की गाड़ी में चला गया, फिर रात को घर के बाहर लड़की का लाश मिला। तो गली में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ जिसकी फुटेज से हमें पता चल जाए कि लाश को वहाँ लाया कौन है? अरे मैडम हमारा गली में कौन कैमरा लगवाएगा, लेकिन वो नौशीन बोल रहा था कि नौशीन जो आई थिंक आपकी बहन है जो डॉक्टर है राइट? अरे आपको तो सब मालूम है। हाँ दरअसल फैसले मुझे सब के बारे में बताया। अरे इस अंदाजे से तो आपका दोस्ती बहुत हमको अच्छा लग रहा है। जी लेकिन लगता है ये दोस्ती शायद सिर्फ मेरी तरफ से है, फैसल तो मुझे अभी भी मैडम ही समझता है। खैर ये मेरा कार्ड प्लीज़ आप लोग रख लें, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, लोकेशन और अपना नंबर आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। मेरी दो तीन मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग क्लाइंट के साथ, मैं वो अटेंड करके फिर आती हूँ आप लोगों की तरफ। ठीक ले आ रही? हाँ ले आ रही, मेरे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं हमको कोई मसला नहीं है, बस आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसे अब वहाँ का हालात बिल्कुल अच्छा है। अरे मुझे अभी आप लोगों के साथ तो काम भी करना है। नहीं ये तो हमारे लिए बहुत एहसास का बात होगा, अब हम लोग चलते हैं। चलें बहुत शुक्रिया, मैं आती हूँ। तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या करने लगी हो? चाय बना रही। खाना नहीं खाओगी? भूख नहीं है। फैसे उरूज मैं एक बात सोच रही थी, घर में तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं, तुम्हें तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही है आजकल लोग रिश्ता करते वक्त तालीम से पहले ये पूछते हैं कि लड़की को कुछ खाना वाना बनाना आता भी है या नहीं। हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे बनाना नहीं आता, आप सिखा देना, आपको आता है? इस वक्त शादी की बात तुम्हारी चल रही है मेरी नहीं, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे बनाना नहीं आता, आप सिखा देना, आपको आता है? अच्छी तरह से समझती हूँ मैं तुम्हारे ये तंजिया जुमले। मैं तंज नहीं कर रही, मैं तो वाकई में तुमसे सीखना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बनाना आता है तो मम्मा से सीख लो ना कि एक एक बजे तक सोना बंद करो, टाइम से उठा करो और थोड़ा सा घर में और किचन में ध्यान दो, ताकि आगे ससुराल जाके तुम्हें एडजस्ट होने में मसला ना हो। रिदा तुम्हें पता तो है ना मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, टाइम ही कितना होता है मेरे पास। ओह रियली?
लेकिन जब कोई घर में मेहमान आया हुआ होता है तो तुम तो सारा टाइम किचन में ही होती हो। तब तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होता है, निकलती ही नहीं हो किचन से। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती, इतनी देर से बात क्यों घुमा रही हो? तो साफ बात यह है कि जब कोई घर में आया हुआ हो ना तो तुम मुझे किचन में नजर ना आओ और ना ही इधर उधर घूमती फिरती। मैं काम से आती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बहाने से यहाँ वहाँ जाने की, और ना ही मेरा ये मिजाज है। तुम्हारा मिजाज ना बहुत पहले ही मुझे समझ में आ गया था, तो इसलिए बस आइंदा ख्याल रखना, यही कहना था मुझे। थैंक यू वेरी मच। सेठ है घर पे? जी है। तो बोलो कि नादिर भाई आए। चले मैं बता के आता हूँ। अब देखो क्या बोलता है सेठ। खड़े दादा, सीधा दो टोक बात करो इससे, इसका हमने काम किया ना, अभी हमारा काम करे। क्या बना फिर? हम आलिया मैडम से मिलकर आ रहा है ना अभी, वो बोलती है हम आती है अभी। वो इधर आएगा? हाँ यहाँ आएगा या फिर पहले हमारे घर पे आएगा। अरे बोलता क्या है वो, कुछ करेगा या नहीं? सब कैसा ठीक होगा, हमारा बच्चा फिर तो केस बन गया है। माँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है और हम इसका ये इल्ज़ाम झूठ साबित करके रहेंगे। हम गरीब लोग कैसे साबित करेगा? क्या हुआ, कोई सबूत मिला, कुछ पता चला? अरे अभी कहाँ मिला, ड्राइवर गए हैं ना टैक्सी का फुटेज लेने, देखो कब मिलता है। हाँ वैसे ये आइडिया अच्छा है, इससे कम से कम पता तो चलेगा कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है। ना मोटा मोटा लाल सुरख आंखे था उसका, साफ पता लग रहा था रात भर सोया नहीं है। अच्छा तो फिर उस लड़की का कत्ल भी उसी रात होया था। हमको शक है इस मामले में नादिर शामिल है। हाँ मेरी बेटी बड़ी हसास है और बहुत कम मिक्सअप होती है लोगों से। ये शुरू से ही ऐसी थी? पहले कम थी लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद कुछ ज्यादा हो गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्दी बाहर आ जाए उस ट्रांस से। बस आपके ख्याल में ये इतना सा काम है आपका जो आपने कर लिया, और सारे कानूनी तकाजे पूरे हो गए राइट? मैडम जब मुद्दई कह रहा है कि कातिल यही है तो हमें क्या जरूरत है हमारे घर को ढूंढते रहे जिसका हमारे पास कोई सुराग ही नहीं है। आपके मुद्दई के चक्कर में कोई इंसान नाहक फांसी पे चढ़ जाए? जाहिर है भाई, अब मम्मा ही बनाती है ना खाना, तो हमें उनका थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए। अच्छा, और मम्मा का ख्याल रखने के लिए हम बेटियां उरूज को कह रहे हैं कि तुम सीखो। तो भाई उरूज की शादी हो रही है ना? वो तो हमारी भी होगी कभी ना कभी, उसकी बारात तो दरवाजे पे है, उससे ज्यादा सीखने की जरूरत है। अरे हम तुमको बोला ना हमारा कहानी सेम टू सेम है। ठीक है नादिर भाई। अरे सेठ, अरे हमारा बात तो सुनो यार। जी बोलो। अरे वो सेठ हमको गाड़ी कब मिलेगा? अरे हमको भी अपना डॉक्टरनी को भरम दिखाना है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है। हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी,
दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है।